भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63 दिन के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में इसका समापन हो रहा है। इसको लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन कहिए इसको, न्याय यात्रा समापन रैली के जरिए विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है ये। शिवाजी पार्क की रैली में शामिल होंगे कई दिग्गज नेता विपक्ष के। मंच पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश भी विपक्षी नेता देंगे। अब मैं आपको पश्चिम में जो राहुल गांधी लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उससे जुड़ी कुछ जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं कि राहुल गांधी का जो शक्ति प्रदर्शन पश्चिम में चल रहा है, समापन रैली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जगह कौन सी है तो शिवाजी पार्क मुंबई में, और रैली का समापन समय जो है अब से कुछ ही देर के बाद 5 बजे का रखा गया है। इसके अलावा भी जानकारियां हैं, कितने राज्यों को इन्होंने कवर किया, 15 राज्यों को कवर किया, कुल किलोमीटर कितना चले तो 6700 किलोमीटर चले। मकसद क्या था? विपक्ष की एकजुटता का संदेश देना। तब जो राहुल गांधी थे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले थे, तो 15 राज्य उन्होंने कवर किए, 6700 किलोमीटर जो है इतनी लंबी इनकी यात्रा रही थी। कृष्णा हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जो है वो जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। 5 बजे समापन हो जाएगी इस यात्रा की, लेकिन कितना असर ये यात्रा अभी भी विपक्ष को एकजुट करने में या फिर लोगों को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने में ये कर पाई है, इसका जरा बताइए कृष्णा। विवेक, देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कितना कांग्रेस को मिलेगा या विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिलेगा वो अब लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 14 जनवरी से जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुआ था उसका समापन कल मुंबई में हुआ, और आज राहुल गांधी ने सुबह सुबह पद यात्रा किया है। दक्षिण मुंबई के गांधी इलाके में स्थित मणि भवन से वो अगस्त क्रांति मैदान तक गए थे। वही अगस्त क्रांति मैदान जहां से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था वहां पर 1 किलोमीटर तक का उन्होंने पदयात्रा किया है, जहां पदयात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद शाम 5 बजे का समय दिया गया है जब ये कहा गया है कि राहुल गांधी मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, आप देखिए कि मंच जो है वो सज चुका है, तमाम जो मेहमान हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं, जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। कई दिनों से ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, बस इंतजार है राहुल गांधी का और इंडिया गठबंधन के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनका। इसके लिए ये कहा गया है कि इस सभा में शामिल होने के लिए तमाम जो इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं सभी को न्योता भेजा गया था, लेकिन अब देखना होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि अब तक राहुल गांधी के अलावा इस रैली में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से उसके बाद तेजस्वी यादव, ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे और इस सभा के जरिए एक ही जो संदेश देने की कोशिश की जाएगी वो ये कि विपक्षी गठबंधन जो है चाहे उसमें कितनी भी टूटे आई हो, कितने नेता जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए हों, लेकिन अभी भी जो है इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है। वही अगर राष्ट्रीय राज्य स्तर की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में भी हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर ही कई बगावत हुई, कई नेता जो छोड़ के गए, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी संदेश देने की कि महाविकास आघाड़ी भी एकजुट है। यही मौका है, अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है तो यही मौका है जब अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।